संभल में अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ दलित प्रेमी से शादी करने वाली युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर अपने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वायरल वीडियो में युवती ने अपने प्रेमी और खुद को ताऊ और भाई से जान का खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग कर रही है। वायरल वीडियो की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने ट्वीट कर प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की बात कही है। मेरे पति का एक्सीडेंट कर दिया था उन तीन लोगों ने, उसका तहेरा भाई था और इसका सगा भाई था, इसके ताऊ थे वेद प्रकाश शर्मा, इसके ताऊ का नाम है, इसके भाई का नाम है चुनमुन और एक इसका भाई तहेरा है कौशल। इन तीनों ने मेरे पति का एक्सीडेंट कर दिया, 60 टाके आए होठ में, जरा सा फैसला था ना नाले में गिर जाते और मुझे पता भी नहीं चलता। मेरे घर पे आके 10-15 लोगों को लेके आते हैं, धमकी देते हैं कि तुझे जान से मार देंगे, तेरे दोनों बेटों को मार देंगे, तेरे पति को मार देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। पुलिस से क्या चाहते हैं आप लोग? मैं सर पुलिस से ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की सुरक्षा की जाए, मेरे पति की सुरक्षा की जाए और मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मुझे तो पता भी ना था कि मेरे बेटे ने ऐसा कर लिया। लड़की के माँ बाप ने ही मुझे बताया 3 दिन आके कि तेरे बेटे ने मेरी बेटी के साथ शादी कर ली, उसी तहरी बहन साथ में थी और उसकी तहरी बहन साथ में आई थी। पहले से आई होगी? नहीं, फिलहाल ऐसे कि मतलब ये बता रहे हैं कि आपके परिवार को जान को खतरा है। हाँ, मेरे परिवार को जान को खतरा है। मेरे मोहल्ले में तमंचा ले लेकर धमकी दे के जा रहे हैं, कह रहे हैं हम जान से मार देंगे। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आपकी शिकायतों के मामले में? पुलिस से हमने कोई कार्रवाई नहीं की, ना हमने कोई शिकायत की, क्योंकि हम तो अपनी जान छुपा के इन बच्चों को ढूंढने में लगे हुए थे। जैसा कि वीडियो वायरल किया है, इसमें सुरक्षा मांग रहे हैं बच्चे, सुरक्षा मांग रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए। शिवी शर्मा, ग्राम नगला खाकम, थाना बनियाटेड़, जिला संभल की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी मर्जी से शिवम से शादी कर ली है और मेरे घर वाले और घर वालों ने इनके खिलाफ मुकदमा जो कराया है वो गलत है। मेरा थाना अध्यक्ष भैजू से निवेदन है कि इस मुकदमे को खारिज करें और हमारी जान को खतरा है, और अगर हम लोगों को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे ताऊजी मास्टर वेद प्रकाश छात्र और मेरा भाई चंद्रमणि सारस्वत होंगे। मेरा श्री माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम लोग की सहायता करें। एसपी साहब से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि जो मुकदमा मेरे पे लगाया सरासर झूठा है, मेरे घर वालों को परेशान करा जा रहा है। हमने एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं, कॉलेज में मिले थे हम दोनों, एक दूसरे से शादी कर ली है 18 अगस्त को, फिर भी इसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, पीछा कर रहे हैं हमारा, घर वालों को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। मेरी मम्मी का नाम लिखा गया है FIR में, मम्मी का नाम, मेरे भाई का नाम लिखाया गया है, जो कि उन्हें कुछ नहीं पता किसी को। हम दोनों अपनी मर्जी से आए हैं, SP साहब से मेरी ये विनती है हमारी मदद करें। ये हम दोनों दूसरे को 2 साल से जानते हैं काफ़ी, हमने अपनी मर्जी शादी करी है और उन्होंने झूठा मुकदमा लिखाया है कि मैंने अपना गढ़ा, मेरी मम्मी का नाम लिखाया, मेरे भाई का नाम लिखाया है। ये वीडियो मैंने SP साहब संभल कब भेजा था? 7 तारीख को वीडियो भेजा था, बैजोई थाना अध्यक्ष की वीडियो भेजा था मैंने, फिर भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जा रहा है। पुलिस बार बार आती रही, घर पर परेशान कर रही। मैंने नोटरी भी भेजी थी बैजोई थाने में, फिर भी पापा को ले जाया गया और उन्हें 24 घंटे अपनी कस्टडी में रखा गया। और काफ़ी और जो काफ़ी बहुत परेशानी करी गई, जो मेरे बहन बोल रही हैं उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ तक पुलिस गई, वहाँ जाना क्या मतलब है, उनसे क्या मतलब था, उनको परेशान करा गया। काफ़ी 30-40 लोग गए थे उसके यहाँ। आप कोर्ट मैरिज कर चुके हैं? हम कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं, मंदिर में भी शादी कर ली, हमारे पास ये कागज़ भी हैं, सब कुछ है। और आपके परिवार के जो आपके पिताजी वगैरह हैं, माता हैं, वो किस तरह धमकी दी जा रही है उनको? वो धमकी कह रहे थे अभी तो कि कुछ भी हो सकता है, अगर दिख गया तो मैं गोली मार दूंगा। इसके ताऊ जी कह रहे थे कि दिख गया तो हम गोली मार देंगे, ये है वो है, काम तरीके ऐसी बातें बोल रहे थे। तो बाकी सब आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कोई जोर जवाब नहीं है, सामने है। जान टक्कर मारी बाइक मंदिर रात 9 बजे 28 तारीख की रात को, और कभी धोखा कर सकते हैं वो। किस तरह सर, मेरे वार्ड में टांके भी आए हुए हैं और मैं आपको बता नहीं सकता, बता रहा हूँ मैं, अब बोलने लायक हूँ, सब बोलने लायक 8-10 दिन बेकार रहे थे बोलने से, खाना नहीं आया। जान से मारने की कोशिश की जा रही है इस तरीके की जी। अब जैसा कि उन्होंने वीडियो वायरल किया है, उनका ये कहना है कि उन्होंने 7 तारीख को वीडियो भेजा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसको लेकर क्या कहेंगे पुलिस से? लापरवाही सर, पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन हम थोड़ा गांव आए रहे थे, बचे हुए रहे थे, ये सुरक्षित रहे, बचे हुए हैं। लेकिन 28 तारीख की रात को मेरा मिलने वाला था, उसके भाई खत्म हुआ था छत पर से गिर के, पेंडिंग काम करता था लक्ष्मण से, मुकेश से नहीं, उसे लक्ष्मण से नहीं, घर गया था मैं, मेरे साथ संजय शर्मा थे, उन्होंने धोखा करा मेरे साथ, उनकी साइज से ये साइज दी कि वो खा गया, मौत में गया हुआ है, जरूर आएगा, उसका दोस्त था, दोस्त का भाई था, इसलिए मेरे साथ धोखा हुआ।
नहीं, जिस तरह की आपको धमकियाँ दी जा रही हैं उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस? कार्रवाई सर हमें शुरू से चाहिए, हम तो सजलामत करनी चाहते बस। अब बच्चों ने कर लिया जो कर लिया अच्छा कर लिया है, अब तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी हमें, तो सही रहना चाहिए वो बच्चे, सेफ रहना चाहिए। थाना बहजोई क्षेत्र अंतर्गत युवती का वीडियो वायरल होने के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 25 अगस्त 2020 को वादी श्री वेद प्रकाश आत्रेय ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था क्योंकि भतीजी किसी के साथ चली गई है। इस क्रम में 18 अगस्त को एक मुकदमा अपराध संख्या 370/20 धारा 366 बनाम शिवम श्रीमती सुधा रानी अनमोल निवासीगढ़ मौजपुर कस्बा व थाना चंदौसी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इसी में एक रिट पिटीशन जो लड़का और लड़की हैं उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दाखिल किया था। रिट पिटीशन संख्या है 8782/2020 ये दिनांक 7/9 को वहां पे माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया था। इसी क्रम में ये निर्देश निर्गत किया गया है कि ये जो वादी हैं लड़का और लड़की ये दोनों चीफ जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष उपस्थित होकर के 164 का अपना बयान कराएं। उसके लिए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं चंदौसी उन्होंने 18 तारीख को एक डेट दी है जिसमें 164 का लड़के और लड़की का बयान कराया जाएगा। जैसा उच्चतम न्यायालय और सीजीएम का जैसा निर्देश होगा उस क्रम में इसमें विधि कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। लड़का लड़की किसी भी स्तर पर सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं तो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के वहाँ से निर्देश प्राप्त करें और जैसा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय और सीजीएम कोर्ट देता है उसके अनुपालन में